हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो भाई थोड़ा हर टाइम वगैरह हो गया था वीडियो डालने, क्योंकि भाई जॉब वगैरह में थोड़ा बिजी चल रहा था, तो स्केड्यूल थोड़ा बिजी था, तो इस करके टाइम वगैरह नहीं मिला वीडियो डालने का। और भाई यहाँ पे पर्थ में जैसे कि लॉकडाउन लग रहा था, तो इस करके भी थोड़ा हाँ बिजी चल रहा था स्केड्यूल। लेकिन अभी भाई जैसे इन्होंने रिस्ट्रिक्शन वगैरह लिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है, सो इस एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। और भी मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियो की फ्रीक्वेंसी है वो भी थोड़ी बढ़ा दी जाए, क्योंकि I'll try my best to put like at least once a week, ठीक है। तो भाई जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल तो पढ़ लिया होगा कि what are the best regional areas in Australia to get the PR, ठीक। तो इस वीडियो में हम basically बात करेंगे कि कौन से जो regional areas हैं Australia के अंदर, ठीक है। अगर जैसे कि आप इंडिया से और आप अपनी स्टडी वगैरह के लिए Australia में अप्लाई कर रहे हो, या आप ऑस्ट्रेलिया में हो एंड इफ़ यू वॉन्ट टू मूव टू द रीजनल एरियाज फॉर योर वर्क एंड ऑल दिस थिंग, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप स्टडीज करते हो रीजनल एरिया में, या आप काम वगैरह करते हो रीजनल एरिया में, ठीक है। तो आपको ये लॉन्ग रन में कैसे आप इसको आपको बेनिफिट्स वगैरह करेंगे रीजनल एरिया के लिए, ठीक। और भी जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है ये चाहती है कि भाई जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और इमिग्रेंट्स हैं, दे मूव इन दिस दोज रीजनल एरियाज, और इनको भी जैसे कि यहाँ पे काम वगैरह करें, एंड दे वॉन्ट दिस एरियाज टू गेट डेवलप्ड एज वेल, ठीक है। क्योंकि जो ये रीजनल एरियाज है भाई ये इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, एंड ऑल दिस इमिग्रेशन पार्ट, एंड दैट्स व्हाई दे ऑल द गवर्नमेंट वॉन्ट्स दिस एरियाज टू गेट डेवलप एज वेल। तो भी जैसे कि स्टार्ट करते हैं पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। पर्थ है भाई जो कैपिटल है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, और भाई यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। और पर्थ है भी जो वो रीजनल एरिया के अंदर है, एंड पर्थ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू स्टडी इन द रीजनल एरिया। यहाँ पे भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने को भाई रीजनल एरियाज वगैरह में स्टडी करनी होती है, ठीक है। एंड इस मल्टी कल्चरल एज वेल, जहाँ पे एशियन स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट्स एंड सम अदर कॉन्टिनेंट एज वेल, यहाँ पे मोस्टली आपको मल्टी कल्चर मिलेंगे स्टूडेंट्स में, ठीक है। और यहाँ पे भी काफ़ी यहाँ पे कई मेन है जो यूनिवर्सिटी है, जैसे कि ECU है, कर्टिन है, UWA है, मर्डक है, दीज आर ऑल द पॉपुलर यूनिवर्सिटीज इन पर्थ, ठीक है। और भी मैं आपको थोड़ा पर्थ के बारे में बता दूं, आई बीन लिविंग इन पर्थ फॉर लाइक लास्ट 6.5 years, ठीक है। तो इससे पहले भी पर्थ था जो रीजनल एरिया में था, लेकिन इन 2017 इन्होंने भी पर्थ को रीजनल एरिया से बाहर निकाल दिया था बिकॉज ऑफ द चेंज इन द गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टफ। लेकिन इन्होंने बैक इन 2019 इन्होंने दोबारा पर्थ को रीजनल एरिया के अंदर डाल दिया, ठीक है। सो यू विल गेट ऑल द प्रोसेसिंग इन योर वीजाज एंड एवरीथिंग, एंड नाउ इट्स बैक टू रीजनल एरिया, ठीक। तो आफ्टर पर्थ इफ यू लुक एट साउथ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी जैसे कि एडिलेड है, वो भी रीजनल एरिया के अंदर है, एंड इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। वहाँ पे जैसे कि अभी जो एडिलेड यूनिवर्सिटी है वो भी इज प्रीटी गुड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। वहाँ पे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। और भाई जैसे कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है एडिलेड के अंदर वो बहुत ही चीप है, एज कम्पेयर टू अगर आप जैसे कि मेजर सिटीज वगैरह से कंपेयर करो, आइदर इट कुड बी मेलबर्न, सिडनी और पर्थ, ठीक है। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही कम है। आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट इन क्वींसलैंड, क्वींसलैंड में भी जैसे कि जो गोल्ड कोस्ट है वो भी रीजनल एरिया के अंदर है। ब्रिस्बेन है भाई वो रीजनल एरिया के अंदर नहीं है, गोल्ड कोस्ट है वो रीजनल एरिया के अंदर है, ठीक है। एंड इफ यू मूव टू लाइक नॉर्दर्न टेरिटरी, वहाँ पे भी जैसे कि डार्विन है जो कि रीजनल एरिया के अंदर है, वहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अभी जो कि जाते हैं, जो चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी एज वन ऑफ द पॉपुलर यूनिवर्सिटी इन डार्विन, तो वहाँ पे भी काफ़ी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे पढ़ने वगैरह के लिए जाते हैं, ठीक है। और भी जैसे कि अगर हम NSW में बात करें, वहाँ पे भी काफ़ी एरिया हैं जो कि रीजनल एरियाज के अंदर हैं, जैसे कि अगर आप बात करें मैक्यूरी, शिलोंग एंड ऑल दिस एरिया, दिस आर इन द रीजनल एरिया एज वेल। और विक्टोरिया के अंदर भी जो कि बलार्ट है, इस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन एज वेल फॉर टू स्टडी इन द रीजनल एरिया, ठीक। तो भी जैसे ये तो सारे रीजनल एरियाज हो गए, लेकिन अगर आप इसके बेनिफिट्स देखें कि क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप रीजनल एरिया के अंदर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बेनिफिट अभी अगर जब आप ग्रेजुएट होते हो रीजनल एरिया से, ठीक है, सो यू गेट एन एक्स्ट्रा 1 year ऑफ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, इसको बोलते हैं जैसे कि भाई TR और टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा। जब आप अपनी स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट करते हैं और उसके बाद जब आप ये वीज़ा अप्लाई करते हैं एंड यू गेट फुल वर्किंग राइट ऑन दिस वीज़ा, तो आपको ये 1 साल का एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। तो भी ये अभी जैसे कि पहला बेनिफिट अगर आप रीजनल एरियाज में स्टडी करते हो। और जो सेकंड बेनिफिट है, अभी जैसे कि कई रीजनल कैंपस वगैरह हैं, दे प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स एज वेल। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सोच रहे हो जैसे कि इन यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, सो यू डू चेक आउट कि जो कि मैं ऑल प्रोवाइड सम लिंक एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन, कि भाई जो कि
ये मतलब कि स्कॉलरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आई थिंक देर इज वन इन UWA जिसका भी द कैंपस इज इन एल्बनी, दे डू प्रोवाइड लाइक लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स एज वेल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। जो भी थर्ड है एंड द मेन बेनिफिट इज की फॉर इमिग्रेशन पर्पज, जब भी आप अपना वर्क वीजा अप्लाई करोगे जैसे कि 491 या आप अपना परमानेंट रेजिडेंसी वीजा भाई वो अप्लाई करोगे जो कि 189 जो इंडिपेंडेंट स्केल है और 190, ठीक है। सो यू गेट एन एक्स्ट्रा 5 points फॉर स्टडी इन रीजनल एरियाज, तो आपको 5 extra points मिलेंगे वहां पे, क्योंकि अगर आपने अपनी स्टडीज है जो वो रीजनल एरियाज में कंप्लीट किया, ठीक है। ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन द लॉन्ग रन, बिकॉज अगर जैसे कि अगर आप अभी स्टडी वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम लग जैसे कि अगर आपको 2 साल लगते हैं अपनी PR वगैरह डालने में या 3 साल लगते हैं, ऑफकोर्स बाय द टाइम जो कंपटीशन है वो भी थोड़ा हाई होगा भाई, तो आपको जो ये 5 points है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे उस टाइम के लिए। सो मेक श्योर कि यू प्लान हैड, अगर आप जैसे कि अगर आप प्लानिंग वगैरह कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए, तो आप इसको पहले से ही प्लान वगैरह कर लो, अगर आपको भाई जैसे आप उसके बाद में परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा वगैरह अप्लाई करना है, सो यू मेक श्योर कि आप अपने जो सारे पॉइंट्स वगैरह हैं इनको भी आप शुरू से ही यू प्लान अहेड इन द फ्यूचर इन द बिगिनिंग एज वेल, ठीक है। तो भी दीज आर ऑल द मेन बेनिफिट्स अगर आप रीजनल एरियाज वगैरह में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं अगर जैसे कि आप रीजनल वगैरह में स्टडी करते हैं, ठीक है। मेजर ड्रॉबैक इज कि अगर जैसे कि आप डार्विन वगैरह में मूव होते हो या फिर आप तास्मेनिया वगैरह में मूव होते हैं, ठीक है, अगर आप इन एरियाज वगैरह में मूव होते हो तो भी वहाँ पे आपको थोड़ा काम ढूंढने वगैरह में थोड़ा मुश्किल होगी इन द बिगिनिंग, बिकॉज वहाँ पे भी जैसे कि पीपल्स वगैरह दे आर वेरी लेस, और भी वहाँ पे जैसे कि जो रिसोर्सेज वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। अगर आप जैसे कि रीजनल एरिया को एडिलेड और पर्थ से इफ़ यू कंपेयर विद एडिलेड एंड पर्थ, ठीक है, तो अगर आप इन एरियाज वगैरह में मूव होते हो तो यहाँ पे भी आपको वर्क वगैरह वो जल्दी मिल जाएगा एज कम्पेयर टू अगर आप डार्विन वगैरह मूव होते हो या फिर आप तास्मेनिया वगैरह में मूव होते हो, ठीक है। एंड द सेकेंड ड्रॉबैक इज कि जैसे कि अगर आप जैसे भी नाइट लाइफ देखो जैसे कि सिडनी और मेलबर्न की, दीज आर द बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड दे आर लाइक 24 आवर सिटी, ठीक है। तो रीजनल एरियाज में भी ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह भी कम है एंड दे यूजली शट डाउन एवरीथिंग लाइक अराउंड 5 o'clock और 9 PM, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह भी कम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई वो आपको यू विल फील मोर लाइक आइसोलेटेड एज कम्पेयर टू अगर आप सिडनी और मेलबर्न वगैरह से कंपेयर करो, बिकॉज दोज आर ऑल द मेजर सिटीज मैन and they run for like 24 hours as well. So with these are all the drawbacks for the regional areas that I can think about it. So there may be more as well for some people. ठीक है, तो भी अगर आपको भी जैसे वीडियो पसंद आए एंड इफ यू गेट लाइक सम इन्फो फ्रॉम द वीडियो, अगर आप चाहते हो भी अब फ्यूचर में आई विल मेक द इन्फॉर्मेशन वीडियो लाइक दिस एंड यू विल गेट बी नोटिफाइड स्ट्रेट अवे, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड अगर आपकी भी कोई जैसे कि question वगैरह, so you can put down in the comment box, and see you in the next video guys, take care.